फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल के। जैसा कि दोस्तों हम सब आपके लिए गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं हम सब आपके सामने आके डिस्कस करते हैं। हम आपके सामने उसको जाके बिल्कुल एक छोटे छोटे एक सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड करके आपको समझाते हैं, ताकि आप जब भी इस वैकेंसी के फॉर्म फिल करें आपको उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं हो, आपके मन में कोई शंका नहीं हो। तो उसी शंका को मिटाने के लिए हम सारे वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर आप जुड़े हैं तो आपको हम आपके लिए हम ऐसे और भी नोटिफिकेशंस लाते रहेंगे। जैसा कि अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आप सबके लिए एक नई नोटिफिकेशन जो राजस्थान रोडवेज ने जारी की है, राजस्थान रोडवेज वैकेंसी 2022। जी हाँ, ये वैकेंसी बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट सरकार के एक अपने ठंडे बस्ते के अंदर थी। अब सरकार ने उसको अपने बस्ते से निकाला है और जो हमारे जो राजस्थान के जो युवा बेरोजगार युवा है, जो उनके लिए उनकी झोली में डालने जा रही है। दोस्तों, 2013 के बाद से, मतलब 6 साल के बाद से ये वैकेंसी वापस से हमारे इस चर्चा का विषय बनी है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को बहुत एक अच्छी तरीके से जाने कि वैकेंसी क्या है, क्या इसकी नोटिफिकेशन ने इसकी डेट हमारी जारी करी है, क्या इसमें हमारे पास सिलेबस रहने वाला है, कितनी इसमें कौन कौन से पदों की वैकेंसी आएगी, क्या हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और हमारे पास बेसिकली जो हमारे सबसे पास आती है सैलरी। जी हाँ, इसके अंदर सैलरी क्या होगी, क्योंकि आज तक हम सबसे पहले सैलरी ही देखते हैं, क्योंकि इस बड़ी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी के अंदर अगर हमारे पास एक अच्छी रिस्पेक्टेबल सैलरी नहीं है तो हम उस पर एक जीने में काफ़ी एक प्रॉब्लम सी क्रिएट होती है। तो हम आपके सामने इसी वैकेंसी को पूरा एक 360 डिग्री से हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो दोस्तों, हम अपना इस सेक्शन को चालू करते हैं, पर मैं सबसे पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं हमको एक बार सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप एक बार बने रहिए। और आप हमारे इस YouTube चैनल को छोड़ के बीच में कहीं ना जाएं, क्योंकि हम इसी चैनल के ऊपर आपके लिए और भी नई नई वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम देख पा रहे हैं कि 16 सितंबर को राजस्थान रोडवेज वैकेंसी ने एक वैकेंसी आप सबके लिए डिक्लेयर करी है। तो दोस्तों, ये कौन सी कितने पोस्टों पर, 5,740 पोस्टों के ऊपर है और ये 6 साल बाद होने जा रही है, जो 2013 के अंदर हुई थी। उसके बाद राजस्थान रोडवेज एक वापस से वैकेंसी निकालने जा रहा है। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, 6 वर्ष पहले अधिकारी और क्रामिक थे लगभग 20,000 और अब रह गए 14,000। जी हाँ, काफ़ी सारे जो हमारे जो एम्प्लॉयज थे वो वहाँ से जा चुके हैं। अब उसके बाद अभी रोडवेज के अंदर काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी मतलब खाली सीटें पड़ी हैं, उसके बाद काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। और जो भी हमारे जो रोडवेज के अंदर जो हमारे जो सफ़र करने वाले यात्री हैं वो डेली इन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फेस करने का मतलब ये है, कभी उनके पास बस का रखरखाव सही नहीं हो पाता है, कभी उनके टायरों के अंदर कभी जो प्रॉब्लम्स आ रही, जो पुराने टायर हैं वही चले जा रहे हैं, कोई इसमें कोई कंडक्टर है तो एक कंडक्टर 2 शिफ्ट कर रहा है, जो ड्राइवर है वो ड्राइवर भी अपने 2 शिफ्ट करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात आती है कि वो ये देखी जाती है कि हमारे पास जो भी इनके जो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए थे वो पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसा कि अभी हम हमारे इस राजस्थान पत्रिका की कटिंग में आप क्लियर देख पा रहे हैं कि इसमें सीधा लिखा गया है कि 5,700 पद खाली पड़े हैं। जी हाँ, अभी तक पद खाली पड़े हैं और ये वैकेंसी उन्होंने अभी जारी करने की प्रस्ताव भेजा है। पर जैसा कि अभी हमारे सूत्रों से और हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे हमें ये पता चला है, ये विज्ञप्ति अभी हमारे पास आगे नहीं पहुंची है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अभी पद जो खाली है सिर्फ उसका ही जिक्र किया है। तो दोस्तों, हम इस वैकेंसी को थोड़ा एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जब ये वैकेंसी आएगी तो क्या पद रहेंगे, क्या सैलरी रहेगी और कौन कौन से इसके अंदर कैटेगरीज आने वाले, मीन्स कौन कौन से जॉब की वैकेंसीज आने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सन 2013 की एक विज्ञप्ति देखें, उसके अंदर एक अच्छा सा मेंशन उन्होंने कर रखा है कि आपके पास रहेगा यातायात निरीक्षक रहेगा, सह यातायात निरीक्षक रहेगा, मतलब एक आपके पास एक ड्राइवर हो गया, उसके बाद में आपके पास कंडक्टर हो जाता है, उसके बाद में ना अभियंता, कनिष्ठ अभियंता ABC, कनिष्ठ विधि अधिकार हो जाएगा, श्रम कल्याण निरीक्षक हो जाएंगे, कनिष्ठ लेखाकार हो जाएगा, संगण हो जाएगा, उप भंडार निरीक्षक हो जाएगा, कनिष्ठ लिपिक हो जाएंगे
कुल मिला के उन्होंने 5,550 पोस्ट निकाली थी। तो इस बार ज्यादा पोस्ट आने वाली है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कुछ ज्यादा ही वैकेंसीज आएंगी, तो इसके अंदर हमारे पास बढ़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये 6 साल बाद निकल के आ रही है। थोड़ी सी हम उसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी रहेगी। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, पात्रता सबसे पहले होगी यातायात निरीक्षक। जी हाँ, यातायात निरीक्षक के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन मांग रखा है। आप कोई सी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री किसी की भी हो सकती है, एनी ग्रेजुएट रखा गया है। अभी ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं, पिछली बार भी मेंशन किया था, तो इसी बार की तरह हम भी मान सकते हैं कि कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं करेंगे। अगला आ गया सह यातायात निरीक्षक। जी हाँ, कंडक्टर, वो भी इन्होंने यही मान रखा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उनके पास डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद आता है कनिष्ठ अभियंता अ और ब, ये दो कैटेगरी होगी। इसके अंदर भाई आपके पास जो अभियंता मांगा गया है, तो आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी जरूरी अनिवार्य रखी गई है। जैसे इन्होंने बोल दिया कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के विषय में बीटेक होना चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर आपके पास टेक्निकल डिग्री चाहिए होगी, ताकि आप जो भी जो रख रखाव है आप उसको अपने कार्य को अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकें। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा एनी ग्रेजुएट नहीं होने के चांसेस है, ये उसमें कोई मुझे बदलाव की उम्मीद नहीं दिखी जा रही है। अगली बार आता है कनिष्ठ विधि अधिकार। भी हाँ, जो विधि, विधि मीन्स हो जाता है वही जो जो हमारे लॉ के बारे में जानेगा, विधि जो हर काम उसके पास लॉ की डिग्री है ना, विधि में कुछ उसका डिग्री होनी चाहिए। श्रम कल्याण निरीक्षक, भाई जो उसमें श्रम कल्याण निरीक्षक होगा उसके अंदर भाई डिप्लोमा उसके पास श्रम कल्याण विभाग की होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ के बाद उसके पास एक प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। वो प्रमाण पत्र मीन्स एक्सपीरियंस लेटर, जो इस बात का प्रूफ करेगा कि हाँ वो बंदा कहीं उसके पास एक्सपीरियंस रहा है, और वो आने वाले टाइम के अंदर जहाँ भी वो पोस्ट करेगा किसी भी विभाग अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने जिले में या फिर अपने संभाग में जाएगा, वहाँ पे अपने कार्य को बखूबी निभा सकता है। इसलिए वहाँ पे आपसे ये एक एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाता है। उसके पास सामान्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक कार्य की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ इन्होंने जो हमारे समाज शास्त्र अर्थशास्त्र है उसके इन्होंने डिग्री भी इन्होंने वाजिब रखी है। उसके बाद देखा जाएगा कनिष्ठ लेखागार। भी जी हाँ, इस लेखागार के अंदर आपके पास स्नातक होना जरूरी है, कोई आपके पास विशेष डिग्री के पास मांग की जरूरत नहीं होगी। आगे आएगा आएगा संगण। संगण के अंदर आपके पास बोला है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अर्थशास्त्र गणित की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर के पास ओ लेवल आपके पास बेसिक होता है, आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पास सारे एक्सेल वर्ड थोड़ी सी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और आपके इसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर स्पीड 500 की आपके पास दिखाई जाएगी, आपको वो वर्ड कंप्यूटर के से आपके पास टाइप करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपके पास 30 से 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और हिंदी इन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है, ये अभी ओनली इंग्लिश के अंदर है। नेक्स्ट उप भंडार निरीक्षक। भी इसके अंदर वही भैया, आप उप भंडार में जाएंगे तो आपके पास मैकेनिकल डिग्री इलेक्ट्रिकल होनी जरूरी है, तो वही साथ में ऑटोमोबाइल, या ऑटोमोबाइल इसलिए भैया आप बस का रखरखाव करेंगे, तो ये इस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। ऐसे आपके पास आएगा कनिष्ठ लिपिक। ये कनिष्ठ लिपिक क्या होती है, जिसके अंदर हम सारे एक पूरी हम एक शीट बना के रखना, सारी चीज डॉक्यूमेंट्री मेंटेन करना, उसके अंदर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है, इसी इन्होंने आके सारी ग्रेजुएशन डिग्री होगी उन्होंने सभी को मान्यता दे दी है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से, बस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज तक के टाइम के अंदर हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम भी फाइल नहीं रखते, हर चीज़ आपकी कंप्यूटर में सेव होगी, आपके पास कंप्यूटर ज्ञान होना अनिवार्य रखा गया है। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों सैलरी देखिए आपको किस तरह रखी जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यातायात निरीक्षक होगा इसकी 10,000 रुपये सैलरी का रखा गया है। ये 10,000 रुपये जो सैलरी है ये बिल्कुल बेसिक पे है, आपके ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 ही मिलेगी, ये ग्रेड पे आपका 3200 में आता है, आपका HRA DRA मिला के तकरीबन कम से कम 18-20 तक आपके पास इजिली बैठ जाएगा। ऐसी यातायात निरीक्षक है 7,900 का रखा गया है। कनिष्ठ अभियंता जो अ और ब होंगे उसमें 13,050 और 10,000 के इसमें आपके पास उसकी सैलरी रखी गई है।
मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपके पास बेसिक पे होता है, ऐसा नहीं है। वो सर आपके ग्रेड पे, जो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ग्रेड पे से तय किया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी जाएगी, कितना आपके पास मासिक वेतन मिलेगा, जो आप अपनी जेब पे, जेब के आप में, आपकी जेब में आएगा, कितना पैसा होगा जो आपको HRA, DRA इनसे मिलेगा। तो ये आ गया बेसिक पे की आपकी हमने पूरी सूची आपके स्क्रीन पे शो कर रखी है। अगर आपको इसमें कोई भी अगर डाउट हो कि भाई इसको कैसे DA निकालते हैं, कैसे ग्रेड पे रखते हैं, कैसे पेमेंट्स होते हैं, तो हम आपको उसको एक अगले वीडियो में समझा सकते हैं। जैसा कि अगर आपने देख रखा है कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके क्लियरली शो हो रहा है, आपके पास 7,900 से 10,000 तक की आपके पास एक आराम से बेसिक पे हो जाएगा, जो एक बढ़िया एक पे स्केल होगा। और मे बी अभी 2013 के बाद से जो ग्रेड पे लगाए उसके बाद ही बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो अभी वैकेंसी आई नहीं है, ये ओनली उसका एक नोटिफिकेशन है, जारी किया गया है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके लिए इसके लिए पूरा सिलेबस, आपका पूरा एज का अभी हम आपको पूरा फैक्टर, आपके क्या फीस लगेगी, आपको किस तरह तैयारी करनी है, कैसे आपको इस एग्जाम की पूरी रणनीति बनानी है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी बढ़िया जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, मेरे ख्याल से हमने आपका एक आधी स्ट्रेटेजी बिल्कुल तैयार कर ली है कि किस तरीके से वो पेपर होगा और हमें किस तरह से वो पेपर देना है। तो दोस्तों इससे अच्छी आपकी और भी जानकारी मिलती रहेगी, आप बस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जैसी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा दोस्तों आप एक चीज और नोट करेंगे कि हमने हर एक वैकेंसी के अंदर हमने अपने ऑफिशियल वेबसाइट WhatsApp और Telegram ऐड कर रखा है। आपको जैसा भी लगे कि हमको WhatsApp से मुझे मैसेज करना चाहिए, आप मेरे को एज सून एज पॉसिबल मैसेज कीजिए, मैं आपको आपके बाद क्वेरी का आपको रिप्लाई करूंगा, जितना हो सकेगा मैं आपको पूरी इस डाउट से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाले कभी भी जो नई वैकेंसीज होगी मैं आपके लिए इस तरह वीडियो बनाता रहूँगा। सिर्फ मुझे भी आप लोगों से आपका प्यार और स्नेह चाहिए, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने दोस्तों रिलेटिव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे इसके साथ ही विदा दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। ओके, टेक केयर, बाय।